आपकी स्क्रीन पर यह भारतीय जनता पार्टी नेता सीमा पात्रा, इन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस औरत ने पिछले 6 साल तक सुनीता नाम की एक आदिवासी महिला को नौकर के तौर पर रखा था और पिछले 6 साल से ये इसे टॉर्चर कर रही थी। जिस तरह की यातना दी जा रही थी ना दोस्तों, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। जी हां, गरम तवे से सुनीता को जलाया जाता था, उससे पेशाब चटवाई जाती थी, जीभ से पैखाना साफ कराया जाता था, उसके मुंह पर इतनी बार वार किया गया था कि उसके सारे दांत जो हैं वो टूट गए थे या बाहर की तरफ निकले हुए थे। मानसिक तौर पर सुनीता पूरी तरह से बिखर चुकी है। इस तरह का टॉर्चर ये सीमा पात्रा कर रही थी पिछले 6 साल से एक आदिवासी महिला के साथ। इनके जलवे देखिए। ये जो सीमा पात्रा है वो एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर की पत्नी है। भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें सदस्यता से निलंबित तो कर दिया है, मगर मैं पूछना चाहता हूं उस 29 साल की सुनीता के साथ जो नर्क उसने भुगता पिछले 6 साल, उसका क्या होगा, मैं जानना चाहता हूं। ऐसा नहीं है कि इस परिवार में सब दरिंदे हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि दरअसल सीमा पात्रा के बेटे आयुष्मान ने ही अपने एक दोस्त को इसकी शिकायत की थी और फिर यह मामला पुलिस के पास पहुंचा था। यानी कि सुनीता की अगर जान बच पाई तो सीमा पात्रा के बेटे की वजह से, जिसका नाम आयुष्मान है। खुद सुनीता कहती है कि अगर आयुष्मान नहीं होता तो मैं जिंदा नहीं रहती। मगर आप देखिए, रसूख के चलते, इस बात के चलते कि ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई है, ये इस कदर टॉर्चर कर रही थी, जिसके लिए मैं निशब्द हूं पूरी तरह से। और आप जानते हैं, सीमा पात्रा की जगह अगर कोई कांग्रेस की नेता होती या आम आदमी पार्टी की नेता होती या समाजवादी पार्टी की कोई नेता होती, मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये हर न्यूज चैनल का हेडलाइन नंबर 1 होता। मैं आपको बताता हूं जी न्यूज क्या कर रहा था। जी न्यूज यह खबर चला रहा था, पाकिस्तान के सियालकोट की खबर। उनका यह दावा है कि देखिए, हिंदुओं पर अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा, बुरी तरह से एक औरत को पीटा जा रहा है, हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार। आप जानते हैं, जिस औरत को पीटा जा रहा है, दरअसल कोई धार्मिक अत्याचार नहीं है, एक जमीन को लेकर विवाद है। इस बात की लंबी चौड़ी पड़ताल हुई, बात पता चला कि जिस औरत को मारा जा रहा था वो हिंदू है ही नहीं, वो एक मुसलमान औरत है, जैसा कि बाकायदा जो जांच हुई उसमें पता चला। यानी कि नंबर 1, जी न्यूज में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि सीमा पात्रा जैसे लोगों पर सवाल खड़े कर सके। क्यों? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी से है। उल्टा अपने दर्शकों को वही हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान में उलझाए रखो, वो भी झूठी खबरें। बहरहाल, पाकिस्तान के सियालकोट में जिस मुस्लिम महिला के साथ अत्याचार हो रहा था उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, जैसा कि इस खबर में आप देख रहे हैं। मगर इससे पता चलता है दोस्तों कि हमारा जो मीडिया है वो कितना बड़ा कायर है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर उल्टा होता, यानी कि सीमा पात्रा भाजपा से ना होकर कांग्रेस से होती, तब। और ये पहली मिसाल नहीं है, मैं आपको बतलाना चाहूंगा। और मैं जानता हूं कुछ दिमाग से पैदल अंधभक्त अब भी कॉमेंट सेक्शन में आकर मुझसे कहेंगे कि दुमका में अंकिता के साथ शाहरुख ने जो किया उस पर भी तो बोलने की हिम्मत दिखा। अरे ना समझो, अकल से पैदल लोगों, कल इस मुद्दे पर मैंने खबर की है। हमारी बेटी अंकिता को इंसाफ मिले, इसको लेकर मैंने मुहिम अपने प्लेटफॉर्म पर छेड़ी है। और इसलिए नहीं क्योंकि तुम लोगों को खुश करना है, नहीं, अंधभक्तों को खुश करने के लिए नहीं, क्योंकि अंकिता इस समाज की बेटी है, उसकी आवाज को बुलंद करना पड़ेगा। वो हमारे बीच नहीं है तो क्या हुआ? और सबसे बड़ी बात, जिस दरिंदे ने अंकिता को खत्म कर दिया, उस दरिंदे को अपने किए पर बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। वो अब भी इन तस्वीरों में मुस्कुरा रहा है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा खौफनाक मंजर है दोस्तों। इस दरिंदे की मुस्कान हमारे महिलाओं के सम्मान पर एक करारा तमाशा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि कानून के अंदर जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर सजा होती है वो इसे मिले, यानी कि इसे फांसी की सजा मिले। क्योंकि जिस तरह से इसने अंकिता को जला दिया, उसको लेकर मैं पूरी तरह से निशब्द हूं। तो सीमा पात्रा की मैं दास्तान आपको सुना रहा था।
भाजपा की नेता, और आप जानते हैं सबसे बड़ी विडंबना क्या है, सीमा पात्रा के ट्विटर हैंडल पर लिखा हुआ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 29 साल की सुनीता को ना ये पढ़ा रही थी और बचाना तो बहुत दूर की बात है। 6 साल में सुनीता बच गई, ये अपने आप में बहुत बड़ा चमत्कार है दोस्तों। इससे पता चलता है कि सीमा की रूह कितनी मजबूत थी कि इतने टॉर्चर के बावजूद वो जिंदा है हमारे बीच, वो जिंदा है ताकि सीमा पात्रा के अत्याचारों की दास्तां वो आप तक पहुंचा सके। और बात सिर्फ सीमा पात्रा तक सीमित नहीं है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में ये वीडियो वायरल हुआ था, आपको याद होगा। इसमें 7 महीने के एक बच्चे को एक गैंग चुरा रहा है। ये गैंग कोई और नहीं बल्कि एक डॉक्टर दंपत्ति चला रही थी। और आप जानते हैं इस बच्चे को कहां पाया गया? इस बच्चे को पाया गया भारतीय जनता पार्टी की एक नेता विनीता अग्रवाल के घर पर, बीजेपी की पार्षद विनीता अग्रवाल के घर पर। मामला क्या है दोस्तों, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। जैसे कि आप हिंदुस्तान टाइम्स की इस खबर में देख सकते हैं, उस 7 महीने के बच्चे को विनीता अग्रवाल ने 1,80,000 रुपए में खरीदा। और ये बच्चों को अगवा करने का एक लंबा चौड़ा रैकेट चल रहा था। इसमें यह बताया जाता है कि पुलिस ने एक डॉक्टर दंपत्ति प्रेम बिहारी और उसकी पत्नी दयावती को गिरफ्तार किया है। प्रेम बिहारी की उम्र 38 साल है और उनकी पत्नी दयावती की उम्र 38 साल की है। और ये दोनों एक अस्पताल चला रहे थे, बांके बिहारी अस्पताल, जो कि हाथरस में स्थित है। और जाहिर सी बात है दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर बवाल भी हुआ है, राजनीतिक बवाल भी हुआ है। क्या कहना है इस पर अखिलेश यादव का आपके स्क्रीन पर? अखिलेश यादव ने बाकायदा उस खबर का हवाला देते हुए कहा है, भाजपा ने बच्चों का वर्तमान और भविष्य तो चुरा ही लिया, अब कम से कम ये काम तो ना करें। जिस खबर का हवाला दिया जा रहा है वो आपके स्क्रीन पर है। फिरोजाबाद में भाजपा पार्षद के घर से मिला मथुरा से चोरी किया गया बच्चा। प्लेटफॉर्म पर मां के पास से 24 अगस्त को हुआ था चोरी। ये खबर क्या कहती है पढ़ के सुनाना चाहता हूं मैं आपको। मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8-9 से गत 24 अगस्त की सुबह चोरी किए गए 7 महीने के बच्चे को मथुरा GRP ने SOG की मदद से फिरोजाबाद के थाना दक्षिण क्षेत्र स्थित भुरे वाली गली में भाजपा की महिला पार्षद विनीता अग्रवाल के घर से रविवार रात 12:30 बजे बरामद किया। पुलिस बच्चे और पार्षद के परिजन के साथ ले गई है। मैं जानता हूं आप में से कई लोग कहेंगे कि इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या दोष है, मगर मैं आपसे कुछ और कहना चाहता हूं। आपको याद है कुछ दिनों पहले नोएडा के ओमैक्स में श्रीकांत त्यागी नाम का एक नेता, जी हां वो व्यक्ति जो लगातार ये दावा करता रहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी के करीबी नेता हूं, और उसने भारतीय जनता पार्टी की धौंस में ओमैक्स सोसाइटी के अंदर अवैध निर्माण कराया। बात वहां नहीं रुकी, जब एक औरत ने उससे सवाल किए तो उस औरत को धक्का मारा, उसको गालियां दी और फिर वो फरार हो गया। यह भी कहा जा रहा था कि नोएडा पुलिस में कुछ ताकतें श्रीकांत त्यागी को हमेशा बचाती रहीं। आप मुझे बताइए ना, श्रीकांत त्यागी अगर समाजवादी पार्टी का होता, कांग्रेस का होता, तो क्या उसे कोई बचाता? इन तमाम नेताओं के जहन में यह बात घर कर गई है कि हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और यही वजह है कि एक सीमा पात्रा 6 साल से एक आदिवासी लड़की को इस तरह से टॉर्चर करती है, जिसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है दोस्तों। मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में आपको बताया किस तरह से उसको टॉर्चर किया गया। भला हो सीमा पात्रा के बेटे आयुष्मान का कि वो औरत बच गई, क्योंकि जिस तरह से उसे टॉर्चर किया जा रहा था, जिस तरह की उसकी तस्वीर सामने उभर कर आई है, ये 1 साल से ज्यादा जिंदा नहीं बचती। यानी कि जब इंसान को लगता है कि उसके हाथ में रसूख है, उसके हाथ में ताकत है और उसको लेकर जवाबदेही नहीं है, तब वो अत्याचार की तमाम हदों को पार कर देता है। और ये 3 मिसालें जिनका जिक्र मैंने अभी किया वो इस बात को प्रमाणित करती हैं। सोचिएगा जो बात मैंने आपको बतलाई, बौखलाने से गाली देने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं तो अपनी बात कहते रहूंगा
आपको मिर्ची लगती रहेगी तो मुझे उससे ज्यादा कोई खुशी नहीं है, क्योंकि सच बोलने का जो सुकून है दोस्तों, वो तुम क्या जानो। नमस्कार।